एक तरफ अनंतनाग में पाकिस्तान के पालतू आतंकियों को सुरक्षा बल ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब पीओके पर यूएई ने नक्शा जारी कर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। दरअसल पाकिस्तान कश्मीर में अपने आतंकियों को भेजकर सुरक्षा बलों से लेकर आम सिविलियन पर गोलियां चलवा रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कटोरे में पैसे डालने वाले संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को झटका दे दिया है और ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का अभिन्न अंग है। अब इस बात का एहसान संयुक्त अरब अमीरात ने नक्शा दिखाकर किया और बता दिया कि पाकिस्तान ने जो भारत का क्षेत्र कब्जा किया है वो सिर्फ और सिर्फ भारत का अभिन्न अंग बताया है। यूएई की तरफ से ये ऐलान किसी अधिकारी ने नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री सैफ बिन जायद अल नाहयान ने दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री सैफ बिन जायद ने नई दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन का एक वीडियो साझा किया जिसमें भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को दिखाया गया। इस वीडियो की अच्छी बात यह है कि यूएई के उप प्रधानमंत्री की तरफ से साझा किए गए वीडियो में पूरे कश्मीर को भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। इसमें पीओके और अक्साई चीन का हिस्सा भी शामिल है। ये दुनिया जानती है कि पीओके भारत का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा। अगर भारत की बात करें तो भारत हमेशा से दुनिया को पाकिस्तान के इस खेल के बारे में बताता है। भारत अपना दावा करता रहता है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का हिस्सा है और शायद यही वजह है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और रहेगा। पाकिस्तान सरकार कहती रहती है कि पीओके उनका है, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि उन्होंने इसे अवैध रूप से लिया है। वैसे अब जिस तरह से संयुक्त अरब अमीरात जैसे इस्लामिक मुल्क ने दुनिया को साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान ने भारत की जमीन कब्जाई और पूरा का पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अब ये बयान कहीं ना कहीं भारत के लिए और दुनिया में भारत के सभी लोगों की खुशी बढ़ा देगा और पाकिस्तान के लिए यह एक तरह का झटका है। बता दें कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा को हाल ही में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। इस समझौते के ऐलान के बाद दुनिया भर से इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आई। इस डील में सऊदी अरब और अमेरिका भी शामिल हैं, जिसकी सराहना रूस ने भी की। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं, जो पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है अब उसका दूसरा काम है कश्मीर के खिलाफ जहर उगलना। हालांकि हर पाकिस्तानी को पता है कि पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वो दिन और करीब है जब पाकिस्तान ने भारत की जो अवैध जमीन कब्जाई है वहाँ भारत का तिरंगा शान से लहराएगा और पाकिस्तान सिर्फ फूट फूट कर रोएगा। खैर, अब यूएई के ऐलान के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि वो वक्त करीब है जब पाकिस्तान को पीओके से भागना होगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।